शगुफा जी, क्या मैं उस बरामदे तक भी नहीं जा सकता? नहीं बेटा। पर मैं बाहर क्यों नहीं जा सकता? क्रोंजदीप कैसा द्वीप है? बड़े अचरज की जगह है बच्चा, चिड़ियों का देश है। अगर मैं भी चिड़िया होता तो कितना अच्छा होता। मैं देखूंगा, जो देखने की चीज होगी घूम घूम के देखूंगा। आप मुझे ये आवाज लगाना सिखा दो ना। अरे रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? हम लोग खेलने जा रहे हैं, तुम भी बाहर आ जाओ ना खेलने। वैद्य जी ने मुझे बाहर आने से मना किया है। बहुत सावधानी से रहना होगा, ये जाड़े की धूप और हवा दोनों ही उसके लिए विष के समान है। मुझे अब बैठना अच्छा नहीं लगता। ऐसी बातें नहीं बोलते। अच्छा पैरदार, वो बड़ा मकान जो है ना, वो क्या है? वहाँ नया डाकघर खुला है। बड़ा होकर मैं भी राजा का डाकिया बनूंगा। मुझे लगता है कि इसे बांध कर रखा ना जा सकेगा। ताला कुंजी लगा कर बाहर का दरवाजा बंद कर दो। अगर राजा मुझे रोज एक चिट्ठी भेजेगा तो बड़ा मजा आ जाएगा। बेटा सुना तो है कि चिट्ठी वहाँ से रवाना हो चुकी है। तुम लोग राजा की डाकिया को जानते हो? हाँ पहचानते हैं। तुम लोगों ने ये क्या हंगामा खड़ा कर रखा है? यह हंसी अच्छी नहीं जान पड़ती। बाहर की ओर देखकर तुम्हारा मन जरूर छटपटा रहा है ना? माधव मैं तो मना कर गया था लेकिन बाहर की हवा लग गई। वो जब भी जागेगा आप उसे एक बात कह दोगे? क्या कहना होगा? कि सुधा उसे भूली नहीं है।